हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। स्टार प्लस पर जल्द ही शुरू होने वाला है रोमांटिक ड्रामा जिसमें बिग बॉस 12 के विनर दीपिका कक्कड़ आएंगी मेन लीड में नजर। अब क्या है पूरी खबर, आप खुद ही देख लीजिए। स्टार प्लस पर रोमांटिक ड्रामा कहां हम कहां तुम शुरू होने वाला है। शो को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। बिग बॉस सीजन 12 की विनर दीपिका कक्कड़ शो में मुख्य भूमिका निभाएंगी, वहीं करण वी ग्रोवर उनके अपोजिट रोल में दिखेंगे। शो की कहानी लव स्टोरी पर बेस्ड है। शो में दीपिका सोनाक्षी नाम की एक फेमस एक्ट्रेस का किरदार निभा रही है और वहीं करण वी ग्रोवर एक सर्जन का। इसलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद शो की कहानी माधुरी दीक्षित और श्रीराम नैने की लव स्टोरी से इंस्पायर है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है जिसे सैफ अली खान नरेट कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव आ सकते हैं बिग बॉस के सीजन 13 में नजर। बॉलीवुड के मशहूर राजपाल यादव को बिग बॉस के सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। सूत्रों ने कंफर्म करते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से जेल जाने की वजह से विवादों में चल रहे राजपाल यादव को मेकर्स शो में लाना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये कॉमेडियन शो के लिए फिट चेहरा है। राजपाल की पर्सनालिटी और एंटरटेनिंग फैक्टर शो की टीआरपी में जंप ला सकता है। अब राजपाल यादव शो में आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नागिन 3 के बाद अब नागिन 4 का प्रोमो भी जारी कर दिया गया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि कोमोलिका के बाद अब हिना खान आ सकती हैं नागिन के रोल में नजर। कलर्स टीवी पर आने वाला शो नागिन की सीरीज को फैंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया था। इसका आखिरी एपिसोड 26 मई को दिखाया गया था। इसके बाद नागिन 4 के नए प्रोमो को जारी कर दिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि नागिन 4 में कौन सी एक्ट्रेस लीड रोल में नागिन बनकर नजर आएंगी। खबरें ये आ रही हैं कि नागिन 4 में लीड रोल इस बार हिना खान निभाते नजर आ सकती हैं। मेकर्स ने हिना खान से इस रोल के लिए बातचीत तो की है, लेकिन अभी हिना खान की तरफ से कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हिना खान बीते दिनों कसौटी जिंदगी 2 में कोमोलिका के किरदार में नजर आ चुकी हैं। इस किरदार का वैसे तो सीरियल में रोल खत्म हो चुका है, लेकिन हिना खान की वापसी की उम्मीद अब तक बाकी है। तकरीबन 3 महीने तक चले संगीत के सफर के बाद शनिवार को राइजिंग स्टार का ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें 14 साल के आफताब सिंह ने मारी बाजी। तकरीबन 3 महीने तक चले संगीत के सफर के बाद शनिवार को हुई राइजिंग स्टार सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले में महज 14 साल के आफताब सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया है और साथ ही उन्हें 10 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया गया है। वहीं शो के फर्स्ट रनर अप रहे दिवाकर को भी 5 लाख रुपए की प्राइज मनी दी गई है। आफताब इससे पहले सारे गामा पा लिटिल चैंप्स 2017 का भी हिस्सा रह चुके हैं जिसमें वो टॉप 7 के बाद आउट हो गए थे। कसौटी जिंदगी की 2 शुरू से ही दर्शकों की फेवरेट रही है। कोमोलिका के आने से आए ट्विस्ट के बाद अब मिस्टर बजाज की एंट्री होने वाली है। कैसा होने वाला है मिस्टर बजाज का ये नया लुक, आइए आपको भी दिखाते हैं। एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी 2 शुरू से ही दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। कोमोलिका के आने के बाद शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स का सिलसिला बना हुआ है और अब जल्द ही प्रेरणा और अनुराग की जिंदगी में आएगा एक नया मोड़ जब शो में होगी मिस्टर बजाज यानी करण सिंह ग्रोवर की एंट्री। सोशल मीडिया पर मिस्टर बजाज का ये लुक काफी वायरल हो रहा है। अपने सॉल्ट एंड पेपर लुक में करण काफी हॉट लग रहे हैं और उनके इस सॉल्ट एंड पेपर लुक को देखकर आप बाकी सब भूल जाएंगे। एंटरटेनमेंट दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गॉसिप। दिस इज मी प्रियंका सिंह सेइंग यू बाय बाय।